नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एसटीएफ इंदौर की टीम ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय $1 मिलियन का नकली नोट बेचने वाले गिरोह को पकड़ा है, जिनके पास से $1 मिलियन का नकली नोट भी बरामद किया है। एसपी के अनुसार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ इकाई इंदौर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि नानाखेड़ा उज्जैन निवासी तरुण परमार अपने 3 साथियों के साथ आशियाना ढाबा सांवे रोड इंदौर पर $5 लाख में $1 विक्रय करने के लिए आने वाला है। सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा, जिनके नाम तरुण परमार, मोहम्मद गुफरान, शेरू खान और नईम देलवी है। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से $1 मिलियन का नकली नोट भी जब्त किया गया है। पकड़ाए गए रुपयों को एसटीएफ इंदौर ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। आरोपी नकली $1 कहां से लाए थे, इसको लेकर पूछताछ की जानी है। एसटीएफ इकाई इंदौर को यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक गैंग $1 मिलियन का नकली नोट बेचने के फिराक में है कि उसको बेच के और लोगों को छल कर धोखाधड़ी करके पैसे कमाने के फिराक में है, और ये उस नोट को 5 लाख रुपए में बेचने के फिराक में थे। तब ये सावेर रोड पे एसटीएफ की टीम द्वारा ग्राहक बन के और इस जो गिरोह था उसको पकड़ा और इनसे $1 मिलियन का जो ये नोट है इसको विधिवत जब्त किया है। इसमें अपराध धारा 489, 420 और 120 भी IPC के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनकी गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है, जो 4 दिन की इनकी पुलिस रिमांड प्राप्त हुई है। सर, कितने गिरोह में कितने लोग थे और कहां से डाला, कितने का बनाया था, कहां से लाए? देखिए, अभी इनका रिमांड हमने लिया है, ये 4 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं जो मूलतः उज्जैन और शुजालपुर के हैं, और इनसे अभी ये पूछताछ की जा रही है। अभी तो ये अपने बचाव में ऐसा बता रहे हैं कि इनको बस में पड़ा हुआ मिला था और ये काफ़ी समय से उसको रखे थे और ये प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह उसको बेच दें, ठिकाने लगाएं और 5 लाख 7 लाख रुपए प्राप्त करें, तो ये उसी प्रयास में थे। अभी इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, क्या इसमें और भी कोई शामिल है इसको भी स्पष्ट किया जाएगा। सर, कोई रिकॉर्ड भी सामने आया या गैंग के कुछ? अभी इस तरह के जो प्रकरण हैं उनकी जानकारियां प्राप्त की गई थी, तो दिल्ली और साउथ में भी इस तरह के गैंग के पूर्व में पकड़े गए हैं, और इस संबंध में जो एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी, और जो संबंधित बैंक का नाम लिखा है, अमेरिका का जो बैंक है, वहाँ के लिए भी पत्राचार करके और स्थिति स्पष्ट की जाएगी। सर, क्या जो $1 मिलियन का है तो ये बहुत ऊंची राशि है, तो सर इतनी कहाँ से, मतलब इतना को होता है सर? ये $1 मिलियन का वास्तव में जो अभी तक का हम लोगों ने अध्ययन किया इंटरनेट और उससे जानकारी प्राप्त की है कि $1 मिलियन का कोई नोट नहीं होता, तो इस तरह किसी भी तरह से कोई प्रलोभन दे और ये बताता है लोगों को कि साहब ये हमारे पास है, हम इसका क्या करें, आप खरीद लीजिए, हम अभी जितना है सस्ते में देंगे, इस तरह के प्रलोभन दे के लोगों को छल कर लूटने का एक इनका एक ग्रोह का मोडस ऑपरेंडी है, इनका अपराध करने का तरीका है। इसलिए लोगों को कभी भी लालच में आके इस तरह कोई चीज़ लोग काफ़ी सस्ते दाम में दे रहे हैं तो उनका विश्वास नहीं करना चाहिए और इनका इसको इस तरह का नहीं खरीदना चाहिए, और ऐसी कोई भी गतिविधि पता चले तो पुलिस को बताना चाहिए। $1 मिलियन ये कौन सी कंट्री का कुछ जानकारी? ये अमेरिकन डॉलर है, इसमें एक तरफ बैंक का और पूरा वो बना हुआ है और इसको और क्लियर किया जा रहा है। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड? आरोपी कुछ तो बस ड्राइवरी से है और अन्य व्यवसाय से है, अभी उनसे और पूछताछ, उनके अन्य रिकॉर्ड की भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। ये बेच रहे थे कितने में? ये 5 लाख रुपए में बेचने की इनने बात की थी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।